इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे रतलाम रियासत की कहानी। मध्य प्रदेश का रतलाम अपने रेलवे जंक्शन के लिए जाना जाता है। रतलाम जंक्शन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से एक है। मुंबई से दिल्ली का जो रूट है, रेल रूट है, उसका ये एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। हर दिन यहाँ से 150 से ज़्यादा ट्रेन गुजरती है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आप रतलाम का इतिहास देखें तो वो इसी जंक्शन से जुड़ा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? अगर आप रतलाम का जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये उत्तर मालवा में आता है। तो ये मध्ययुगीन काल की बात है, ये मुगल काल की बात है कि उस समय कैसे होता था कि जो कैरवन सराय और ट्रेड रूट्स उत्तर से दक्षिण या इवन जो महाराष्ट्र है या दक्षिण भारत है उन्हें राजस्थान जाना है या फिर ग्वालियर और फिर दिल्ली आगरा जाना है तो उन्हें रतलाम से ही गुजरना पड़ता था। तो उसकी वजह से क्या था कि रतलाम जो था वो मुगल काल में भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन हुआ करता था। रतलाम रियासत की कहानी शुरू होती है राजा रतन सिंह के साथ। अब रतन सिंह जो थे वो जोधपुर राज परिवार, जो राठौर राज परिवार है जोधपुर का, वो उसके सदस्य थे, उसी परिवार से थे और वो मुगल जो दरबार है वहाँ पर नौकरी किया करते थे। अब एक कहानी के अनुसार अराउंड 1630s की बात है ये, रतन सिंह कुछ लोग कहते हैं कि आगरा में और कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली में अपनी नौकरी कर रहे थे। और तब क्या हुआ कि एक हाथी जो है बादशाह शाहजहां का एक हाथी, वो एक पागल की तरह छूट गया और वो लोगों को कुचल रहा था और काफ़ी अफरा तफरी इम्पीरियल कैंप में मच गई थी। तो ये जो रतन सिंह जो थे वो सिर्फ 23 साल के थे, युवक थे, और उन्होंने एक खंजर लेकर उस हाथी का सामना किया, उस पागल हाथी का, और उसे मार गिराया। और इससे जो बादशाह शाहजहां है वो इतने प्रभावी हुए कि उन्होंने ये जो उत्तर मालवा का जो क्षेत्र है, जो कोटा बूंदी और जो दक्षिण में जो मालवा के बीच में, ये जो उस टाइम तो काफ़ी जंगल हुआ करते थे इस क्षेत्र में, तो ये इलाका रतन सिंह को दे दिया और उन्होंने ही रतलाम की स्थापना की। रतन सिंह जो थे वो बादशाह शाहजहां के बहुत ही लॉयल ऑफिसर थे। जो इम्पीरियल एस्टेब्लिशमेंट है, मुगल शासन है, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी कामगिरी की और जो बादशाह शाहजहां है उनसे वो, हम बोलते हैं कि लॉयल रहे, एकनिष्ठ रहे। अब जब बादशाह शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी, ये 1650s की बात है, तब उनके जो बेटे थे औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शाह शुजा, उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। और जो काफ़ी ये जो सरदार थे, जो राजाज थे, कुछ लोगों ने औरंगजेब का साथ दिया, कुछ लोगों ने शुजा का साथ दिया, कुछ लोगों ने मुराद का साथ दिया, तो सब लॉयल्टी सबकी बट गई। पर ये जो रतन सिंह जो थे वो बादशाह शाहजहां के साथ लॉयल रहे, क्योंकि उनका कहना था कि अभी बादशाह जिंदा है तो जो लड़के हैं वो बादशाह को इस तरह से गद्दी से उतार नहीं सकते, तो वो उनसे लॉयल रहे। तब क्या हुआ कि औरंगजेब जो उस समय दक्कन के सूबेदार थे और यहाँ पे चीज़ें हैंडल कर रहे थे, एक बड़ी फौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। तब क्या हुआ कि औरंगजेब जो थे, जो सबसे पावरफुल और रूथलेस थे शाहजहां के बेटों के बीच में, वो एक बड़ी फौज लेकर दिल्ली और आगरा पर हमला करने के लिए उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगे। तब रतन सिंह ने क्या किया कि जोधपुर के जो राजा जसवंत सिंह थे
उनकी फौज के साथ अपनी फौज को मिलाकर एक एक बहुत बड़ी एक फाइटिंग फोर्स तैयार की, और जो उज्जैन के 15 मील दूर धर्मतपुर या धर्मत करके एक जगह है, वहाँ पर औरंगजेब का सामना करने का निर्णय लिया। यहाँ पर औरंगजेब और जो राठौर आर्मी है उनके बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। जसवंत सिंह तो रणभूमि छोड़कर चले गए, पर रतन सिंह जो है उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ औरंगजेब का सामना किया और इस लड़ाई में वो शहीद हो गए, धर्मत की लड़ाई में। पर क्योंकि जो रतलाम राज परिवार है वो मुगल साम्राज्य के साथ काफ़ी लॉयल रहा था, तो बच्चा औरंगजेब ने फिर रतन सिंह के बेटों को रतलाम की जो गद्दी है वो बहाल की, और रतलाम में जो रतन सिंह के वंशजों का राज चलता रहा। आगे चलकर हमें ये भी देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल जो राजा छत्रसाल थे, अब ये मैं रतलाम के छत्रसाल की बात कर रहा हूँ, जो बाजीराव मस्तानी वाले बुंदेलखंड वाले राजा छत्रसाल है वो अलग है। तो फॉर एग्जांपल जो राजा रतन सिंह हैं उनके बेटे थे राजा छत्रसाल, जो 1700s में उन्होंने रतलाम की राजगद्दी संभाली, तो उन्होंने मुगलों की काफ़ी सहायता की, औरंगजेब की काफ़ी सहायता की। अब फॉर एग्जांपल अभी अब ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो राजा छत्रसाल है वो बाजीराव मस्तानी वाले जो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल है उनसे अलग है, ये रतलाम के राजा छत्रसाल है। तो उन्होंने जो मराठों के खिलाफ जब औरंगजेब लड़ाई कर रहे थे और जो एक्सपेडिशंस कर रहे थे उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फॉर एग्जांपल जब मराठा कैपिटल रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हुआ और उन्होंने जो रायगढ़ को कब्जा करके उसका विध्वंस कर दिया, तो उसमें रतलाम की फौज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम महाराज और ताराबाई जब दक्षिण में जिंजी चली गई थी, तो जो मुगल फौजों के साथ जो रतलाम की फौज है और कोटा की फौज, उन्होंने भी जिंजी पर कब्जा जो हुआ था, जिंजी की लड़ाई हुई थी वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब और एक जो मराठों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट किला था वो था पन्हाड़ा, जो आज के कोल्हापुर के पास में है। तो वहाँ पर जब ये मुगल और रतलाम की फौज उसे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, तो जो छत्रसाल ऑफ रतलाम के जो बेटे हैं, एक बेटे, वो मारे गए उसमें, और राजा छत्रसाल को बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत ही दुख हुआ अपने बेटे के मौत की वजह से। और फिर उन्होंने फिर जो मुगल सर्विस है उससे हम कहते हैं ना एक रिटायरमेंट ले ली, और वो एक तरह से पीछे हट गए। तो उसके बाद जो उनके जो वंशज थे वो इतने एक्टिव नहीं रहे मुगल शासन के दौरान। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक 1720s के बाद एक जैसे बोलते हैं पासा पलट गया, जहां एक तरफ रतलाम की फौज महाराष्ट्र को इन्वेड कर रही थी और जो मराठा फोर्ट्स को कैप्चर कर रही थी। 1720s के बाद हमें ये दिखता है कि जो पेशवा बाजीराव के अंडर जो मराठे आए और उन्होंने फिर ग्वालियर, उज्जैन और देवास, धार, इंदौर, यहाँ पर अपने जो ठाणे बनाए, तो वो सब रतलाम पर अटैक करने लगे। और अराउंड 1820s तक रतलाम पर स्पेशली सिंधियाज और जो धार के जो उदाजीराव पवार है उनके काफ़ी हमले हुए। 1818 तक रतलाम रियासत जो है वो सिंधियाज को ट्रिब्यूट दिया करती थी, पहले महाजी सिंधिया और फिर दौलतराव सिंधिया। और 1818 में एक ट्रीटी के तहत जो रतलाम रियासत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई, और तब से 1947 तक इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब 1840s का जो काल है वो शायद रतलाम के इतिहास का एक सबसे इंटरेस्टिंग काल है। अब इसके जो इस कहानी के जो दौर हैं वो चाइना तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा ओपियम वॉर्स के बारे में। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में बना हुआ अफीम
चाइना में एक्सपोर्ट करती थी और उसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइनीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हुई थी। अब भारत में जो अफीम उगती थी वो दो टाइप की हुआ करती थी, एक को कहा जाता था बंगाल अफीम द बंगाल ओपियम और दूसरी थी मालवा अफीम या मालवा ओपियम। तो मालवा ओपियम जो था वो इट वॉज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट एंड द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। अब ये मैं कहना चाहूंगी कि उस टाइम ओपियम का कल्टीवेशन, अफीम का कल्टीवेशन था वो लीगल था, और ये द सो कॉल्ड मालवा ओपियम या मालवा अफीम कहां पर उगता था, इसी क्षेत्र में रतलाम, मांडसौर और ये जो पूरा जो उत्तर मालवा का जो रीजन है, इनफैक्ट इवन अभी भी जो मेडिकल यूज के लिए जो ओपियम कल्टीवेशन होता है वो इसी रीजन में होता है, मांडसौर, रतलाम और ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालवा है। तो द फाइनेस्ट ओपियम इन द वर्ल्ड यहाँ पर उगता था, और जो मेन ट्रेडिंग सेंटर जो था ओपियम का, जो लेन देन होता था वो रतलाम में ही होता था। तो रतलाम अगर आप देखें, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स ऑफ इंडिया एट द टाइम, मतलब 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के कुछ समय में रतलाम भारत का एक कमर्शियल हब, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन हुआ करता था। तो यहाँ पर रतलाम में काफ़ी ओपियम का ट्रेडिंग होता था, ओपियम, टबैको और नमक, ये तीन चीज़ें थी। तो राजस्थान से जो सांभर से जो नमक आता था उसकी ट्रेडिंग होती थी, टबैको का काफ़ी कल्टीवेशन होता था और मालवा की अफीम। और ये मालवा का, मालवा की जो अफीम है वो फिर बॉम्बे से होकर चाइना जाती थी। और तो ये एक एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। फिर बाद में जो क्या हुआ कि फिर 1857 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विद्रोह हुआ, तब इवन दो धार में रिवोल्ट हुआ, जो भीलों ने यहाँ पर काफ़ी रिवोल्ट किया जंगल एरियाज में, ग्वालियर में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, पर जो रतलाम के जो राजा थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लॉयल रहे, और रतलाम में बाकी जगह जैसे मध्य प्रदेश की काफ़ी जगहों पर जो होशंगाबाद से लेकर, आई मीन काफ़ी जो आज के मध्य प्रदेश में काफ़ी जो रिवोल्ट हुआ था वो रतलाम में नहीं हुआ, ये एक क्वाइट एरिया रही, सेफ एरिया रही। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 1870s में रेलवेज आना शुरू हुआ, और जो इवन मध्य प्रदेश में एंड ऑल। तो रेलवेज आने के कारण क्या हुआ कि जो रतलाम का जो ट्रेडिंग का जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो गया, बिकॉज अभी माँ आपको अब जो व्यापारी है वो माल डायरेक्टली लॉन्गर डिस्टेंस आपको डायरेक्टली मुंबई भेज सकते थे, या डायरेक्टली दिल्ली आगरा भेज सकते थे, या डायरेक्टली जयपुर भेज सकते थे। आपको ये मालवा में आके ट्रेडिंग करके फिर यू नो इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं थी। तो 1870s के बाद जो रतलाम का जो एक कमर्शियल इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगा, बट एक यू नो जैसे कमर्शियल इम्पोर्टेंस कम होते गया, बट एक रेलवे के जंक्शन के लिए एक उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता गया, बिकॉज जो इंटरसेक्शंस थे वो यहाँ रतलाम में होते थे। जो रतलाम के जो आखिरी शासक थे वो थे महाराजा सज्जन सिंह, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी योगदान दिया, जो ब्रिटिश साम्राज्य को काफ़ी मदद की, और जो रतलाम है उसे डेवलप उन्होंने काफ़ी किया, यहाँ पे एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनवाया, और काफ़ी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स जो रतलाम में है वो उन्होंने किए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब जो रतलाम रियासत है उसे उन्होंने मध्य भारत करके एक स्टेट हुआ करता था, तो मध्य भारत में उन्होंने विलीन कर लिया, और फिर बाद में वो एक मध्य प्रदेश का हिस्सा बना।
अनफॉर्चुनेटली महाराजा सज्जन सिंह के जो दो बेटे थे, तो जो आई मीन बड़े बेटे थे लोकेंद्र सिंह, उनकी कोई औलाद नहीं थी, और रणबीर सिंह की एक बेटी है। और उसके बाद you know, यहाँ पर जो संपत्ति विवाद है वो काफ़ी रतलाम में बढ़ा, और जो यहाँ के जो महल है रतलाम के, वो आज काफ़ी बुरी हालत में है। तो इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इस रियासत की इतनी रिच लेगेसी है पर एक तरह से उपेक्षित है। तो आशा यही है कि जो रतलाम की कहानी है उसे जानकर लोग ये जो लेगेसी है उसे प्रिजर्व करने की एक कोशिश होगी। तो ये थी कहानी रतलाम रियासत की।